मेरा नाम रजनी पंडित है और मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव का बिजनेस है। लोगों की बहुत ज़रूरतमंद चीज़ आज के ज़माने में बन गई है। शादी तय होती है, लड़का लड़की के बारे में इंक्वायरी होती है, इलेक्शन के टाइम पे किसी को टिकट देना है तो उसका माहौल कैसा है, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे है जो घर में कुछ बताते हैं और करते कुछ और है, अचानक कोई किसी का डेट होता है उसके पीछे क्या कारण है वो जानना है, तो अलग अलग टाइप का केसेस हमारे पास आते हैं। फोटोग्राफ्स, घर का एड्रेस, गाड़ी का नाम, गाड़ी का कलर्स कौन सा है, नंबर प्लेट कौन सी है, फिर हमारा काम शुरू होता है, फिर हम उनको फोटो भेजते हैं कि जो उसका हम फॉलो कर रहे हैं वो सही आदमी है क्या, फिर उन्होंने हाँ एक बार ग्रीन सिग्नल दिया फिर हमारा काम शुरू होता है। जैसे मैंने करियर स्टार्ट कर दिया तो लोग बहुत टिका टिप्पणियाँ करते थे कि एक औरत क्या करेगी काम, ये मर्दों का काम है। डर ये वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि जब तक आपके खुद में हिम्मत नहीं होती है ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। डिटेक्टिव को आप कितना भी कुछ पढ़ाए लेकिन कुछ भी अचानक सामने से आपत्ति आती है तो डिसीजन अपने आप को लेना है, वो कहीं सिखाया नहीं जाता है। कभी पागल होना पड़ता है, कभी अंधे का रोल होता है, कभी बुरखा डालना पड़ता है, कभी वो कपड़े बेचने वाली औरत होती है। अचानक से जो चीज़ें होती है उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए, अगर वही आप लड़खड़ा गए तो आपका काम कभी सक्सेस नहीं होगा। टफ मेरा जहाँ मैं सर्वेंट बनकर रुकी थी, मर्डर केस थी और वो केस में मुझे सर्वेंट बनकर 6 महीने रुकना था और वहाँ तभी तो इतने गैजेट्स भी नहीं थे कि आधा घंटा चलने वाली टेप रिकॉर्डर होती थी बंद हो गई तो उसकी आवाज़ आती थी, और एक भी बार मेरा जब टेप रिकॉर्ड बंद हुआ तो आवाज़ आई, तभी उन्होंने बोला कि कुछ आवाज़ आई है, आप तो कोई कुछ फायगिरी नहीं ना कर रही है मेरे साथ। मैंने बोला स्पाई क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो काम करने वाली लड़की हूँ। तो मैंने फिर पैरों पे छुरी गिरा दी, खून आने लगा, फिर नीचे डॉक्टर के पास जाने के बहाने में नीचे उतरी, कॉइन डाल के फ़ोन किया और वो आदमी को पकड़वा के देना था, वो मेरे लिए काफ़ी टफ था। एक जगह पे शादी पक्की हो गई है लेकिन वो लड़का इंटरेस्ट नहीं ले रहा है लड़की में, तो उसको डाउट है, तो वो अपने घर वालों को बोलती है कि देखो मेरी शादी पक्की हो गई है, लेकिन वो सामने से फ़ोन नहीं करता है, कहीं बुलाए तो बोलता है नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, काम का टेंशन है, ये वो है, शादी होने के बाद तो ज़िंदगी पूरी पड़ी है, अभी क्या मिलना है, तो ऐसी बातें करते तो मुझे शक है कि कुछ ना कुछ इसकी गड़बड़ रहेगी। और मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें वो देखना है कि सच में वो किस में बिजी है या कुछ उसका चक्कर चल रहा है और घर वाले उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए अपना काम शुरू कर लें। अभी देखो ये लड़का कहाँ उतरा, किसी को मिला या अपने को सब कुछ हाथ में आ गए हैं। प्रूफ के तौर पे मुझे ये दिखाना है, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स उनसे क्लिक किए, उनके नज़दीक जाके बैठ के बातें सुनने की कोशिश की, अभी पता चला कि वो किसी में इन्वॉल्व है, तो अभी अपना काम तो यहाँ ख़त्म हुआ है। जिन्होंने अपने को काम दिया है वो क्लाइंट को हमें बताना है कि लड़का कहीं और लड़की के चक्कर में है, इसके लिए इसके लड़के में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैंने स्टार्ट किया तभी मुझे मालूम नहीं था कि मैं फर्स्ट हूँ या सेकंड हूँ, लेकिन लोगों ने बोला कि पहली महिला जासूस। वैसे देखा जाएगा तो महाभारत के काल में या शिवाजी महाराज के काल से ही हेरगिरी चालू है, वह तब भी लोग हेयर का काम करते थे। काम तो मेरे अंत तक चलता ही रहेगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सांस चलती तब तक मेरा डिटेक्टिव का काम चालू ही रहेगा।